वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त राइडर होम भाई लेकर आया हूँ आपको बूंदी, और बूंदी में है बिल्कुल होटल के बाहर ही रानी की बावड़ी। काफ़ी अच्छा है आज यहाँ पर भी, और एक बार जहाँ पे रुका हुआ था वो दिखाता हूँ, होटल पीछे। ठीक सामने ही रानी की बावड़ी है बिल्कुल। तो सामने है रेट लिस्ट, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये गेट और गेट के सामने ही है टिकट काउंटर। तो दोस्तों एक बात बता देता हूँ कि भाई इसमें तीन पॉइंट है, जो कि तीन पॉइंट यहाँ पे नहीं है, एक एक किलोमीटर के अंदर में है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसके अंदर है भाई सुख महल और 84 पिल्लर महल है एक, तो ये तीन पॉइंट है यहाँ पे, और तीनों पे स्टैंप लग जाएगा। अगर आप एक पर्सन उस पे जाते हो तो 50 रुपये लगेंगे, चाहे आप किसी पे भी चले जाओ 50 रुपये लगेंगे आपके। तो कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं इसके बारे में, रानी की बावड़ी में के बारे में, वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। बाहर से कुछ इस तरह की दिखती है ये बावड़ी। ऊपर चढ़ के देखते हैं कि भाई ऊपर से कैसी दिखती है, फिर नीचे चलेंगे। नीचे चल कर देखते हैं भाई क्या है। ऊपर से तो सारा बंद है, एक जगह है साइड में लेकिन जाली लगी हुई है, इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश मत करना। अभी तो इस बावड़ी के अंदर सिर्फ मैं हूँ और कोई भी नहीं है इस वक्त। तो दोस्तों इस तरह की बनी हुई है ये बावड़ी, और आगे चलते हैं उधर जाके देखते हैं क्या है। दोस्तों इसमें नहाने की कोशिश मत करना क्योंकि गहरा बहुत है भाई, ठीक है। इस साइड से देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, एक बार दिखा देता हूं आपको। तो ये तीन गेट है, एक ही खुला पड़ा है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। गेट से अंदर आया था मैं, अंदर आते ही इस टाइप का कुछ दिखता है, पिल्लर बने हुए हैं इसके ऊपर,
दो होटल हैं, एक तो ब्लू डायमंड होटल है जिसमें मैं रुका हुआ था इस साइड, और एक इससे पीछे बाहर जाओगे तो बैक साइड में है, तो आप कहीं भी रुक सकते हो। ये है चौक और चौक पे लगे बड़े दुकानें, जलेबी रबड़ी, जलेबी रबड़ी नहीं, इमरती, इमरती दिखाता हूं आप। सुबह सुबह ना इमरती खा के देखता हूँ भाई, ये रही इमरती, और साथ ही बन रहे मिर्च वाले पकौड़े, वो भी एक मंगवाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। चट मतलब मिर्च वाला पकौड़ा बढ़िया था, इसमें स्टफिंग है आलू पोटैटो आलू की, और ऊपर से बेसन का जो होता है नॉर्मल, तो भाई खा के देखते हैं विदाउट चटनी खाना है। ये वाली स्टफिंग थी भाई उस मिर्च के अंदर वो, और फिर फ्राई होकर ये थोड़ी इधर है दुकानें खाने की, इधर फूल वाले, और ये देख सकते हो भाई दूध इसमें सप्लाई होती है यहाँ पे। सामने बना हुआ है 84 पिल्लर, तो दोस्तों ठीक पीछे 84 पिल्लर, तो दोस्तों एक बार बाहर से आपको दिखा देता हूँ। अंदर बना हुआ एक शिवलिंग, और ये है पिल्लर जो 84 है। ठीक यहाँ सामने तारागढ़ फोर्ट दिख रहा है, वो दिखाता हूँ एक बार। देखा आपने ये वाला नहीं, इसके पीछे है, दूर है वो। ये वाला फोर्ट है, चलते हैं वहां पर भी, चलेंगे अभी, लेकर चलूंगा आप लोगों को। ठीक सामने रंजीत द्वास है जो राजा का महल था, लेकिन अब राजा रहे नहीं, एक्सपायर हो गए, तो भाई ये खंडर हो चुका है। महल दिखाता हूँ एक बार, तो अब चलते हैं सुख महल जो तीसरा पॉइंट था हमारा, वहां लेकर चलता हूँ आपको। तो दोस्तों ये बना हुआ है सुख महल, वही सेम रेट सारी चीज़ें 75-50। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है सुखमा, सुख महल। एंट्री कर चुका हूँ सुख महल, तो उसके बारे में जो जानकारी है वो दिखाता हूँ कि 1773 से 1821 ईस्वी ईसा पूर्व
और 1776 ईस्वी में करवाया गया था, देख रेख में करवाया गया था। तो दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों जैत सागर लेक ये है, इसके अंदर भाई साहब कमल ही कमल लगे हुए हैं, लेकिन फूल नहीं खिला हुआ, अभी दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों बारिश के बाद ये कमल खिलेंगे, जब क्या नज़ारा होगा देखने लायक, सोच सकते हो यार, कितने सारे कमल ही कमल लगे हुए, दूर तक तो जहाँ तक आपकी नज़र जाती है ना वहाँ तक लगे हुए हैं, तो मज़ा आ जाता होगा जब तो। तो दोस्तों अगर तीनों पॉइंट में सबसे अच्छा पॉइंट बताऊँ ना, तो ये वाला बेस्ट है, यहाँ ज़रूर आना, इसे मिस मत करना भाई। अगर आप बरसात के बाद आते हो, मतलब सितंबर अक्टूबर में आते हो, तो भाई कमल के फूल भी खिल जाएंगे, तो मतलब मज़े वाला नज़ारा। तो साथ में ही बना हुआ है म्यूज़ियम, तो देख कर आते हैं अंदर। तो बेटे, तो दोस्तों ये नज़ारा देख सकते हो आप, बहुत ही बेहतरीन। लेक और वहाँ है फोर्ट। और इस पानी के अंदर है ये मंदिर, अभी क्या है कि भाई पानी हो चुका है ज़्यादा, नहीं तो आप यहाँ पे भी जा सकते थे। के बीचों बीच से रास्ता निकलता हुआ महल की तरफ जाने का, आपके बजट के अंदर जैसा भी चाहिए आपको।
और ये है महल। खुला हो भैया, कितने की टिकट है? कितनी? 80 रुपए की। कितनी ऊपर तक जाना पड़ेगा? बहुत ऊपर तक जाना पड़ेगा है? पैदल? नहीं यार, तो भाई यहाँ से कम 1 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, 1 किलो मानी, वो तो भाई ले से। तो दोस्तों इसके अंदर 1 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। तो भाई क्योंकि मैं हो चुका हूँ ऑलरेडी, 12 बज चुके हैं, ऊपर टाइम हो चुका है, तो बस यहीं तक ठीक है। यहाँ से निकलते हैं यार, फिर कभी जाएंगे राजस्थान। यहीं से दिख जाता तारागढ़ फोर्ट। तो दोस्तों अगर आप अंदर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बाकी मैं तो यहाँ से निकलूँगा क्योंकि मेरे को टाइम लगेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उसके ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा पैदल, कम से कम 600-800 मीटर। और तो यार लेट हो चुका हूँ दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये आपने 2-3 4 पॉइंट दिखा दिए मैंने आपको तारागढ़ फोर्ट। अगर आपको घूमना है, आप फोर्ट घूमना चाहते हो तो आप जा सकते हो। 80 रुपये की टिकट है और 20 रुपये की पार्किंग है, और पानी की बोतल आप लेकर जाना है क्योंकि भैया यहाँ से आप चढ़ाई करोगे ऊपर, और तो ऊपर तक जाना पड़ता है। टाइम हो चुका है 12:15 और यहाँ से दिखा रहा है मेरे को 436 किलोमीटर गुड़गांव। तो दोस्तों और मौसम होता जा रहा है ख़राब, तो भाई यहाँ टाइम खराब मतलब यहाँ ना जाकर यार मैं अपने रूट को पढ़ता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा और डिले हो जाऊँगा, क्योंकि बच्चे जाने वाले थे अपने नाना घर और घर पर नहीं है कोई, वो निकल चुके हैं। तो आज मेरे को जल्दी पहुँचना ज़रूरी है टाइमली, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन बजा देना ताकि जो नई वीडियो आती है उसे आप कनेक्ट हो सको। तो भाई रोड पे अगर अच्छी चीज़ें दिखेंगी तो वो दिखाऊंगा, वो सब चीज़ें दिखाता हुआ ले जाऊंगा आपको, तो फुल मज़े आएंगे, इन्जॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, नाचेंगे गाएंगे और क्या है ना, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे ट्रिप का।